सर देख नहीं रहा है। पक्का दिखा कि नहीं दिखा? सर अच्छा ऊपर सर ऊपर नहीं है। ओके सॉरी सॉरी देख लेते। ये दिखा? यस सर। देखो ये आपका वेन डायग्राम बनाया हुआ है, ऑप्शन में दिए हुए ये, दिस इज ए सेट, ये बी सेट, ये यूनिवर्सल, दिस इज ए माइनस बी, B माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सी नॉन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? सर शेडेड के लिए। हाँ शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट दिया है ये किसके लिए? सी सी है। बाकी का कृष्णा तुम्हारा क्या ऑप्शन है? सर सी होगा। होगा 100% बोलो, अनश्योर नहीं, राइट है? यस सर सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ए माइनस बी है, दिस पार्ट दिस इज बी माइनस, और दोनों को कंबाइन कर दिया इसलिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन दिया टू सेट्स में, यहां क्वेश्चन जेई की बुक है मेरे पास, तो मैं उसमें से क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग जो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मैं आपको असाइनमेंट तो भेज दूंगा इसका, लेकिन अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर रहा हूं। जैसे इसमें दिया है ए सेट में 1, 2, 3, 4, 5 और बी सेट में आपको दिया है 2, 3, 6, 7 और आपको बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी बी, तो इसमें फर्स्ट ए ऑप्शन 4 मेंबर, बी ऑप्शन 5 मेंबर, C option 10 member, D option 20 member। पहले A set और B set के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन में हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 4, 5, 10, 20। बताओ बच्चों। सर 4। आपका 4 आंसर। 4। बाकियों का? बच्चों बाकियों का क्या आंसर है चेक करके बताओ। देखो जब भी कार्टेशियन इसमें, देखो इसमें और इसमें जब आप मेंबर देखो तो 2 मेंबर 2 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो क्या ऑर्डर पेयर बनाते हैं जैसे 2, 3, 2, 2 ऐसे उल्टा करेंगे तो 2, 2, 2, 3, तो जितने मेंबर कॉमन हो उसका स्क्वायर कर देने, क्योंकि दो बार हम रिपीट करें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी जितने मेंबर कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट में, इंटरसेक्शन में क्या लेना, उन नंबर दो नंबर कॉमन आ रहे हैं तो क्योंकि हम दो सेट का इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर, अगर तीन सेट का इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मेंबर्स आर कॉमन बिटवीन दीज टू, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। बच्चों ये समझ में आया आपको? यस सर। सभी को ये शॉर्टकट तरीका है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इंटरसेक्शन में आपको देखना, तो आप देखो दोनों सेट में कितने मेंबर आ रहे हैं, जितने मेंबर उसका स्क्वायर कर दो वो उतने मेंबर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट सेट, टू फाइनाइट सेट have m and n members then total subset
और द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन सेकेंड सेट. द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम और एन की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन फर्स्ट 7.6 बी, 6.3 सी, 5.1 डी, 8.7. देखो दो सेट हैं, पढ़ लो आप लोग. एक सेट में एम मेंबर है, दूसरे सेट में एन मेंबर्स है, और ए सेट के जो सबसेट है वो बी सेट के सबसेट से. सर 5.1 56 ज्यादा है, तो वैल्यू ऑफ एम और एन की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको फाइंड करना है. तुम्हारा है 5.1. सब लोग चेक करके मेरे को बताओ, अपने अपने एक कॉपी लो, शॉर्टकट तरीके से करो, उसमें कोई मेथड्स नहीं दिखाना है, आपकी जनरल नॉलेज चेक होगी इसमें. मान्या कितना आएगा तुम्हारा? वंदन कितने आंसर्स आएंगे? सबसेट्स पता आप लोगों को क्या होते हैं? वंदन सबसेट्स पता आपको बेटा? हाँ सर. अब बताओ इसमें कितने मेंबर होंगे ए सेट में और बी सेट में? कृष्ण आपका आंसर? सर सॉरी सर, 6.3 होगा शायद. चेक फाइनल बताओ एकदम स्ट्रिक्ट. 8.7 भी हो सकता है. 7.6 सर, एम एम की वैल्यू तो सर 6 आ रही है. आप एन की डिसाइड करो बेटा. धरिया तुम्हारा कितना? डी सर, 6 और 3. धरिया का 6.3 इज द करेक्ट आंसर. अब देखो कैसे है. मोहम्मद तुम्हारा आंसर है 6.3. मोहम्मद तुम्हारा कितना आंसर आया? हाँ सर 6 आया, फिर वो 3 निकालना बाकी. देखो सबसे पहले ए सेट में जो सबसेट है उसका फॉर्मूला 2:m, बी सेट में जो है वो 2:m. तो ए सेट में इसके सेट से 56 ज्यादा है. फर्स्ट सेट में सबसेट है 2:m, दूसरे में 2:n, दैट इज 56 मोर देन 2:m. फिर आपने यहाँ लिया 2:m माइनस 2:n इज 56. टू फिर आप यहाँ पर देखो छोटा 2n कॉमन, कॉमन नंबर निकाला, कॉमन सबसे डिवाइड किया m, 2n इससे डिवाइड कर, तो 2m माइनस n माइनस 1 इज 56. 56 को 8 7 से 56 कर दिया. 8 है 2:n की वैल्यू, 8 आई, और 2m माइनस n माइनस 1 इज 7. आपको पता है 8 होता है 2 का क्यूब, तो n का वैल्यू 3 आ गया, और यहाँ आपने n की वैल्यू 3 डाल दी, m माइनस 3 माइनस 1 ही आ गया, तो 8 हो गया. 8 का मतलब होता है 2:3, तो m माइनस 3 इज 3, m इज 6, तो m में 6 मेंबर और n में 3 मेंबर, 6.3 इज द करेक्ट ऑप्शन. और अभी कभी एग्जाम में भी आए और आपको ये सब नहीं पता है, तो पहले सेट में आपने 2:6 लिया, दूसरे में 2:3, 2:6 आपको होता है 64, 2:3 इसका डिफरेंस देखो 56 आ जाता है. 2:7 होता है 128, 2:6 64, इसका डिफरेंस 56 नहीं आता है. ऐसे सबका डिफरेंस आप चेक कर सकते हो. यानी ये जो सबसेट बनाने के लिए 2:n होता है, तो आप यहाँ पुट करके भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो, नहीं तो ये मेथड मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसलिए मैं तुम्हारे सेट थ्योरी क्या मैं चेक करना चाहता था. नेक्स्ट. अब है आपको वेन, ज्यादातर जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो आप वेन डायग्राम से ही किया करो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है. जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूं, एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 55, एक क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 55, जिसमें जो मैथमेटिक्स सब स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके 23, 24 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 24, और केमिस्ट्री पढ़ने वाले
19 है. मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले जो टोटल स्टूडेंट है दैट इज इक्वल टू 12. 9 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे, 7 स्टूडेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे, 7 स्टूडेंट्स. और तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री वो बच्चे 4 हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो कितने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट लिया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर विच स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन 6 स्टूडेंट, बी ऑप्शन 9 स्टूडेंट, सी 7 स्टूडेंट, डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो सकता है. यानी एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले 6 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, या सभी स्टूडेंट हैं. तो आपको इसमें से ये कैलकुलेशन जब देखो कितना आ रहा है आपको पास, एक मिनट के अंदर सॉल्यूशंस का निकालो फटाफट, और नहीं आता फिर मैं आपको हेल्प कर रहा हूं. सर इसमें क्या पूछा है सर, एक बार वापस बताओ ना. सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट पढ़, एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे. सर डी, ऑल ऑफ थ्री. ऑल ऑफ दिस आपका आंसर, ऑल ऑफ दिस परफेक्ट है. तुमने बताइए यस सर, राइट है. अब देखो इसको करना कैसे, आप लोगों को बता दें जिसको नहीं आया. आप एक वाइन डायग्राम बनाओ. यस सर, ऑल ऑफ दिस आ गया. ऑल ऑफ दिस सही है. मैथ्स के 23, फिजिक्स के 24, केमिस्ट्री के 19, फिजिक्स एंड मैथ्स 12 आ रही है. फिजिक्स एंड मैथ्स करिए, ये है मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं 7 स्टूडेंट, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के 9 स्टूडेंट, और 4 स्टूडेंट ऑल हैं. 9 माइनस 4 क्या 5, 7 माइनस 4 क्या 3, 12 माइनस 4 क्या 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 23 में से 17 माइनस किया 6 आ गया. ओनली मैथ्स पढ़ने वाले 6 हैं, सिंगल सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं 6. 12 प्लस 3 15, 15 माइनस क्या 9, 9 है ये जो ओनली फिजिक्स पढ़ रहे हैं. 9 प्लस 3 12, इसमें से माइनस किया 7, 7 है जो ओनली फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो ये मैथ्स वाले, ये केमिस्ट्री वाले, ये फिजिक्स वाले, इसका मतलब जो हमारे इसमें केमिस्ट्री वाले, ये फिजिक्स वाले, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. कृष्णा समझ आया बेटा आपको? Yes, sir. सर मैं इसमें ऐसे कंफ्यूज हो गया था क्योंकि सर इसमें पूछा ना कि जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सर इनका सम होना चाहिए था और वो ऑप्शन नहीं था इसमें. हाँ मैं समझ गया, इन तीनों को ऐड करके तुम अलग निकाल रहे हो. एग्जैक्टली एक का मतलब से मैथ्स. हाँ सर, हाँ सर मेरा भी ऐसा ही हुआ. हाँ वो कंफ्यूजन है उसको जब क्लियर रखना, ये अच्छी बात है. कल भी मैंने बताया कंफ्यूजन इम्प्रूव नहीं करने देगा, और तुम सॉल्यूशन निकालो तो भी इम्प्रूव नहीं, तो तुम्हारा कंफ्यूजन तुम्हें लेट होगा. रफ कर दूं ये अगर क्लियर हो गया. मोहम्मद तुम्हारा आंसर आया? मोहम्मद हाँ सर. पता चल रहा है कि नहीं मोहम्मद, क्योंकि तुमने सेट थ्योरी पढ़ लिया है इसलिए उसका मैं जेई में से कैसे क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ. और मैं आप लोगों को इसका मटेरियल भी भेजूंगा, ऐसा मत सोचना कि मटेरियल नहीं मिलेगा तुम्हें. जितने भी लास्ट ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. अब जैसे ये क्वेश्चन है, 840 पर्सन एक सिटी में है, 840 पर्सन एक सिटी में सर्वे किया आपने, जिसमें 450 हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी रीड करने वाले 450, इंग्लिश रीड करने वाले 300 हैं, और दोनों पढ़ने वाले इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ने वाले आपकी 200 है. तो ऐसे कितने परसेंट जो कोई भी
सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, ना हिंदी पढ़ रहा है ना इंग्लिश पढ़ रहा है। ए ऑप्शन 210, बी ऑप्शन 290, सी ऑप्शन 180, डी ऑप्शन 260। क्वेश्चन है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो हिंदी पढ़ रहे ना तो इंग्लिश पढ़ रहे, और टोटल टाउन में 840 स्टूडेंट्स हैं या सिटी में 840? 290 इज द राइट आंसर, लेकिन बाकियों का क्या है जरा चेक करो। यस सर 290 है। 290 चेक चेक। वर्धन तुम्हें आ रहा है? वर्धन तुम कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, कैसे क्रैक करो जेई का एग्जाम? सोच सो रहे हो कि जाग रहे हो वर्धन? हेलो वर्धन, तुम देख रहे हो कि नहीं? हाँ सर हाँ। आंसर नहीं निकल रहा, क्या बात है? देखो ये 840% है टोटल, इसमें से आपको ये साफ साफ दे रखा है कि जो हिंदी वाले हैं वो 450, इंग्लिश वाले 300 और कॉमन वाले 200, और 450 में से 200 माइनस कर तो ओनली इंग्लिश वाले हिंदी वाले आ गए, ओनली इंग्लिश वाले आए, यानी 250 ओनली प्लस 450, 550 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो बाकी 840 में से आप 550 वाले को हटा दो, मतलब इंग्लिश हिंदी जो नहीं पढ़ रहे, तो 290 ऐसे हैं जो ना इंग्लिश पढ़ रहे ना हिंदी पढ़ रहे। बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर ये तो एनसीईआरटी का लग रहा था। नहीं देखो आपको मैं फिर आपको ये बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं करीब एनसीईआरटी को फॉलो करते हो, और एनसीईआरटी अगर आपका बेस, क्योंकि एनडीए के भी एग्जाम करोगे तो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, आप एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हो। इवन तो आईएएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं ना बड़े बड़े, और जो आईएएम के भी एग्जाम होते हैं वो सीबीएसई, एनसीईआरटी और सीबीएसई को फॉलो करते हैं। तो कभी भी किसी भी कैंडिडेट से बोलो तो जब भी वो ऐसे एग्जाम्स करता है तो एनसीईआरटी बुक को पूरी ढंग से करता है, भले वो एक्स्ट्रा बुक ना पढ़े लेकिन एनसीईआरटी को 100% कवर करता है, तभी वो ऐसे एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाते हैं उसके। जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो वैल्यू आ रही है वो इनमें से किसके इक्वल आ रही है? फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी, बी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट डी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इनमें से किसके इक्वल इसका वैल्यू है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इनमें से किस ऑप्शन के इक्वल है? सर दो ऑप्शन नहीं दिख रहे, कैमरा थोड़ा उस साइड करो ना। अच्छा अच्छा सॉरी 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 फ्रेंड्स, दिखे दिखे मोहम्मद? हाँ सर। अब जा चेक करो कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करता है इसके लिए। सर ए, देखो तुक्केबाजी मत लगाओ, बी सीरियस। ओके सर, जो तुम्हें परफेक्टली लग रहा है वो ही बताओ। सर बी ए डैश यूनियन बी। पक्का फाइनल? यस सर। चलो चेक कर लेते हैं तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन है आपको डिसाइड नहीं करना आ रहा है, एक मिनट इसका पहले मैं बता दूं, एक सॉरी मिसिंग हो गया है ये ऊपर एक और ऐसा, अभी फिर से सोच लो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, अब इसके बाद जजमेंट लो। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
अब देखो क्या आंसर आ रहा है। सॉरी ए आंसर। चलो ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को बता दूं तो नहीं आया क्योंकि टाइम ओवर हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब ये कॉम्प्लीमेंट को तोड़ते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाता है, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप देखोगे तो ये जो है यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमेशा बड़ा सेट लिया जाता है, और इंटरसेक्शन में आप देखो अगर इसको हम बनाते भी हैं तो कभी भी आपको पता नहीं चले तो आपने ए लिया, बी लिया और ये सी सेट ले लिया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है, ए को छोड़ के यूनियन बी, बी के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये पूरा आ गया। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी का कॉमन पार्ट ये आ रहा है आपका, इनका अगर मैं यूनियन करूं इसका और बाकी सेट का यूनियन करूं तो यही आंसर है क्योंकि ये बड़ा सेट इससे। तो यूनियन में हमेशा हम क्या करते हैं, सब मेंबर कलेक्ट करते हैं और जो कॉमन उसको एक बार लिखते हैं, तो बी सही है, बी इंटरसेक्शन सी में इतना ही आ रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में ये पूरा आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन ये वाला सेट आएगा, तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। बेटा समझ में आया मैंने जो बताया? यस सर। किसी को कोई क्वेरी है तो बोल सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन के पीछे थोड़ा टाइम लगाना क्योंकि हम लोग स्पीड से नहीं अंडरस्टैंडिंग समझ रहे क्वेश्चन की। चलो और क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसमें क्या उसका भी है लॉग के भी क्वेश्चन, लेकिन लॉग आपको आता नहीं ना इसलिए मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूं क्वेश्चन। जैसे ए बी सी आर द सेट ऑफ लेटर्स स्पेल द वर्ड्स, ए सेट देखो ए बी सी तीन सेट हैं, ए में जो लेटर्स है स्टूडेंट को कलेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट के लेटर्स को कलेक्ट कर रहा है ए, बी सेट कलेक्ट कर रहा है प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस, और जो सी सेट है वो कलेक्ट कर रहा है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट को कलेक्ट कर रहा है। आपको फाइंड करना है कि कितने मेंबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आएंगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन, फर्स्ट 8 मेंबर्स, बी 9 मेंबर्स, सी 20 मेंबर, डी 30 मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर। ए सेट स्टूडेंट को कलेक्ट करा, बी प्रोग्रेस को, सी कॉन्ग्रेंट को, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कितने मेंबर्स हैं? सर 9, सर बी इंटरसेक्शन के 4 एलिमेंट होंगे और सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन के सर 5 होंगे, तो 9 चेक कर लेते कितना आ रहा है, बाकियों का 9 आ रहा कि ज्यादा। सर 9 फाइनल, B is the correct answer, 9 is the correct answer. बेटा देखो सभी का 9 आंसर आ रहा है कि आगे पीछे आ रहा है, आप लोगों को सेट तो बनाना आता ही है कि A सेट में कितने मेंबर आ रहे हैं, B में क्या है, C में क्या है, A में आप लिखोगे तो लिखोगे S, T, U, D, E, N, जो T रिपीट नहीं कर सकते, प्रोग्रेस में P, R, O, G,
आर आ गया, ई नहीं आया, ई लिखा और एस, और सी सेट में सी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा जी कॉमा आर कॉमा यू कॉमा ई, एन आ गया, टी नहीं आया, ये तीनों सेट बन गया आपके। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन आ रहे हैं, एक तो आपका ओ आ रहा है, फिर एक आ रहा है आर आ रहा है, जी आ रहा है और ई आ रहा है, आपके चार मेंबर इसमें कॉमन आ गए, ठीक है। तो आपने यहां लिख लिए ओ कॉमा जी कॉमा आर कॉमा ई, फिर ए सेट में ये रिमेंबर। अब इन दोनों को जब कलेक्ट करते हैं तो आपको पहले देखा ई कॉमन आ रहा है, ई को एक ही बार लिखना है हमें, फिर आर नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, ओ नहीं आ रहा, तो बस ये रहे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो नाइन मेंबर टोटल इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों आपको समझना है ये तो सिंपल सेट थ्योरी है, किसको ये नहीं क्लियर हुआ? yes, तुम आया मोहम्मद सर आ गया समझ, बोल नहीं रहे आज, क्या बात, आज एनर्जी नहीं दिख रही, नहीं तो हमेशा आंसर फटाफट बताते हो। अच्छा ट्वेल्थ बच्चों के साथ कंपटीशन इसके लिए, ट्वेल्थ वाले बच्चों ने एक साल पहले पढ़ा सेट, आज तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो आज एक साल के बाद बता रहे, इसका मतलब उनकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है ट्वेल्थ वालों की, तुम लोगों ने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है और फिर भी आप लोग बहुत स्लो आंसर बता रहे हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए सेट में चार मेंबर हैं तो पावर सेट में कितने मेंबर आएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, टू रेस टू फोर पक्का पावर सेट? यस सर, पावर सेट, अच्छा पावर सेट सर, टू रेस टू फोर माइनस वन, सोच के बता रहा डायरेक्ट नहीं, आंसर है 16, आंसर है 14, आंसर है 15, आंसर है डी 17। पावर सेट में कितने मेंबर होंगे, नंबर ऑफ मेंबर इन पावर सेट, ए बी सी डी, कौन सा आंसर राइट है? 15 सर, ए 15 इज द रॉन्ग आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पावर सेट सर, पावर सेट में सर 2 रेज टू n माइनस 1 होता है ना सर, तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ये, तो अच्छा हां हां, सबसेट कलेक्ट करता है 2 रेज टू 4 यानी 16 मेंबर कलेक्ट करता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 11th आंसर तो बोला कुछ राइट। अब जैसे मैंने यहां दिया है ए यूनियन 1 2 इक्वल टू 1 2 3 5 9, आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट सेट ए, स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट सेट आपका है, स्मॉलेस्ट सेट ए, ए आपका स्मॉलेस्ट सेट है जिससे यूनियन 3 5 9, इसका ऑप्शन देख लो पहले 2 3 5, ए सेट ये होना चाहिए, बी 3 5 9 होना चाहिए, डी 1 2 5 9 होना चाहिए सर, बी नन ऑफ सर, बी बी 3 5 9, नन ऑफ दीज, बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है? 3 5 9 फटाफट बोल दे, स्मॉलेस्ट सर कॉमन है सर, दिख रहा है हाँ सर, दिख रहा है आराम से, 1 2 कॉमन होंगे, फिर बाद में 3 5 9 ही बचे, तो स्मॉलेस्ट वही हो सकता है, लेकिन फिर 3 तो है ही नहीं, तो 3 आप कहां से लिखोगे? प्रॉब्लम सर ए के अंदर है ना सर 3 5 9, आप तो बी ए के अंदर आ जाएंगे, तो आप उसको बी ऑप्शन राइट बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं? बी, बी इज द करेक्ट आंसर, हाँ मेरे ख्याल से भी बी, एक मिनट चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या है 11th का, बी, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ये, मतलब थोड़ा आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो आप लोग समझ लेना क्वेश्चन का रेंज है, लेकिन इसमें सबसे जो डिफिकल्ट लेवल है वो डोमेन और रेंज है जो सेकंड चैप्टर में आ रहा है, बाकी तो ये फर्स्ट चैप्टर से मतलब आप समझो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन आपका सेकंड डोमेन और रेंज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। उसमें सर डोमेन निकालने के लिए सर ऊपर वाला जीरो होना, जीरो नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूज निकालनी हो, रेंज नीचे वाला जीरो नहीं हो, वो
वो देख लेना, वो ही मैं बोल रहा हूँ कि आप जजमेंट ले लेना चाहिए। चलो मैं एक और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये है, ये आया कि जो दूसरे स्टेट्स अपने अपने खुद के जेईई एग्जाम रखते हैं, जैसे ये तो ये ऑल ओवर इंडिया लेवल का है, ऐसे पंजाब के अलग होते हैं, हिमाचल प्रदेश का अलग होता है, जम्मू कश्मीर का अलग है, दिल्ली का अलग है, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, उनके क्वेश्चन आपसे इसी चैप्टर से पूछ रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड आंसर बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, सी बी इंटरसेक्शन सी, बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट बैठेगा जरा ढूंढ के बताओ। सर बी बी यस सर। क्या बात है, क्या हो क्या गया तुम्हें, देते आंसर राइट पर राइट बता रहे, पता चला कैसे आंसर आया? यस सर बी राइट है। बी राइट है पक्का कंफर्मेशन? यस सर यस सर। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन, लेकिन आया कैसे आप लोगों को आइडिया आया इसका बी का आंसर कैसे आया? यस सर, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन में जो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है सर, उसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में सर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन यू सी डैश। कोई बात नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, अब देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखेंगे तो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट तो साथ में ही है, तो ये तो कॉमन ही टर्म हो गए, तो आप इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको कहते हैं कि अगर सेम सेट के बीच में इंटरसेक्शन करें तो सेम आंसर आता है, सी कॉम्प्लीमेंट आता है। अब यहां पर अगर हम देखें इसको, अगर हम देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, आपको भी मैंने बताया था अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो तो इसका आंसर बी यूनियन सी आ जाएगा, बी यूनियन सी आ जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो इसमें से आपको चेक करना है कि सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी का आपने ये बना दिया, ये हो गया, दूसरा है आपका ए इंटरसेक्शन, अब इसमें हमने देखा ए इंटर बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट तो ये आपका आ गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी आ गया पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट करें तो कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाले भी सब आ जाते हैं, ये पूरा बी यूनियन सी को छोड़ दो ये आ गया, और इसमें कॉमन इतना मेंबर आ रहा है, तो अगर तुम इसके साथ इसको अगर इंटरसेक्ट करोगे, इसको इसको कॉमन लोगे तो कॉमन में यही पार्ट आपका दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन इसका रिजल्ट क्या आता है, ये हमने देखा इसका बी ऑप्शन, बी यूनियन सी का मतलब होता है कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ दिया हमने, ये बी को पूरा छोड़ा, फिर सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सी को छोड़ दिया हमने, तो इन दोनों में जो यूनियन आ रहा है मतलब इसको आप छोड़ दोगे तो कौन सा पार्ट यूनियन आ रहा है, दोनों में आपको वो कॉमन जजमेंट लेना है, तो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है इसका और इसका आंसर मैच कर रहा है, पहले देख लो चेक कर लो आराम से, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो एक आसान तरीका है, इन दोनों का देखो ये बी कॉम, अगर आप देखो तो इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ आप इसको अगर एडजस्ट करो, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको करो तो ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी ही आएगा इन दोनों का आंसर। इसके साथ आपने इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट किया तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, बी यूनियन सी यूनियन कॉम्प्लीमेंट। बेटा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ये जो क्वेश्चन है ना ज्यादातर आप वेन डायग्राम से किया करो, वेन डायग्राम में आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा। चलो एक और देखते हैं, मेन क्या थ्योरी है जो ये पूछा गया कौन सी स्टेट से, ये वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल में ये वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दिया है 265 लोग हैं जो कि सिंगिंग डांसिंग और पेंटिंग तीनों करना चाहते हैं, सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग 265 पर्संस हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं 265, टोटल पर्संस आपके हैं 265 जो कि सिंगिंग डांसिंग और पेंटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 200 लाइक सिंगिंग, सिंगिंग करने वाले 100 लाइक डांसिंग, डांसिंग वाले 110, 55 लाइक पेंटिंग, पेंटिंग वाले 55, 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग 60, 30 लाइक सिंगिंग एंड पेंटिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग है 30, 10 लाइक ऑल द थ्री एक्टिविटीज, सिंगिंग इंटरसेक्शन डांसिंग इंटरसेक्शन पेंटिंग, वो आपके 10 स्टूडेंट्स हैं। एक मिनट, 110 लाइक डांसिंग, 55 लाइक पेंटिंग, 60% लाइक बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, 30 लाइक बोथ सिंगिंग पेंटिंग, then number of person who like only dancing and painting, जो dancing and painting ही पसंद कर रहा है, dancing and painting वाले। देखो singing dancing हो गया, singing painting हो गया, तीनों हो गया, और total person है जिनको हमने survey किया, तो ये person कितने हैं आपको ये find करना है कि जो singing and dance, sorry dancing and painting दोनों पसंद कर रहे हैं वो कितने हैं। option A 10, B option 20, C ऑप्शन 30, D ऑप्शन 40, कौन सा करेक्ट आंसर है? बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि एक बार रिपीट कर दूं क्वेश्चन? वंदन क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं नहीं सर। बताओ कितने लोग हैं जो डांसिंग एंड सर 20 बी आएगा, 20 सी वाला ऑप्शन, 30 तो सी है, बी 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 20। अच्छा देख लेते हैं, तुम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू जा चेक करो, आंसर मैं बताता हूँ, 34th का आंसर है।